युवाओं में जोश और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शनिवार को स्थानीय गांधी मैदान जहानाबाद में एक दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जन सुराज के बैनर तले आयोजित इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का उद्घाटन जन सुराज के अक्षय आनंद ने किया। इस अवसर पर इन्होंने सभी टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें खेल भावना को ध्यान में रखकर अपना दमखम दिखाने का अनुरोध किया। अक्षय आनंद ने यह भी कहा कि आने वाले समय में जन सुराज पंचायत स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभावान खिलाड़ियों को जिला और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा। इस मौके पर अभिषेक कुमार ओम, वॉलीबॉल के पूर्व खिलाड़ी शैलेश कुमार, मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कप्तान वॉलीबॉल प्रिय रंजन कुमार उर्फ सिक्कू, लवकुश शर्मा उर्फ नेताजी, चंचल बाबा, कुंदन क्रांतिकारी संतोष कुमार सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। उद्घाटन मैच फाइटर टीम SS कॉलेज धनगांवा और युवा क्लब देहुनी घोंसी के बीच खेला गया। 3 सेटों के मैच में देहुनी की टीम लगातार 2 सेट जीतकर विजयी हुई। पहला सेमीफाइनल चिरुई और चाण के बीच खेला गया, जिसमें चिरुई की टीम ने जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में स्वामी सहजानंद स्पोर्टिंग क्लब ने भाने बिघा मखदुमपुर को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में स्वामी सहजानंद स्पोर्टिंग क्लब गांधी मैदान जहानाबाद और चरोई के बीच संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ। दोनों टीम के खिलाड़ी एक एक पॉइंट के लिए जी जान लगाते रहे। स्वामी सहजानंद स्पोर्टिंग क्लब ने चरोई टीम को लगातार 2 सेटों में 28-26, 25-17, 25-17 से पराजित कर कप पर कब्जा जमा लिया। अक्षय आनंद ने विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। देखिए, जन सुराज का ये पहला मैच जहानाबाद जिले में हो रहा है और इसका मकसद है कि बिहार का हर युवा लड़का खेल के क्षेत्र में उसको प्रतिभा को दिखाया जाए कि बिहार का लड़का हर क्षेत्र में आगे है। इसलिए हम लोग हर गांव, हर पंचायत में जाकर ऐसे मैच 100 से ज़्यादा मैच करवाने वाले हैं। जहानाबाद में 100 मैच वॉलीबॉल का, 100 मैच क्रिकेट का, मतलब मिला जुला के हम लोग 1000 मैच से ज़्यादा करवाने वाले हैं कि बिहार के जो भी प्रतिभा लड़के हैं, जो अपना प्रतिभा दिखा सकते हैं, जन सुराज ऐसे बच्चे को प्रतिभा को पहचान के आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल से सिलेक्ट करके उसको स्टेट लेवल, उसको आगे की उसको ये व्यवस्था मुहैया कराया जाए। जन सुराज का ये प्रयास है।